नहीं कोई जगह इसे बीच में कहाँ हम जी जा रहे हैं। तो मित्रों यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, पंडित प्रदीप मिश्रा का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ आ रही है, उमड़ रही है। और ये देखिए यहाँ पर पार्किंग बाहर से ही रोक दिया जा रहा है और काफ़ी भीड़ है, गाड़ियों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। भीड़ इतनी है कि लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं, 1.5 से 2 किलोमीटर पहले लोगों को रोक दिया जा रहा है और हमें जाना है पैदल पंडाल तक जहाँ पर कथा हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। और ये गंडई का आउटर का भाग है जहाँ पर ये बैरिकेड्स बनाया गया है जहाँ पर रोका जा रहा है। तो मित्रों बने रहे हमारे वीडियो में, हम ले जा रहे हैं आपको प्रदीप मिश्रा के पंडाल तक और कथा तक, तो हम आपको वहाँ से लाइव दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार साहू अपने फ्रेंड राकेश के साथ गंडई से, धन्यवाद। तो मित्रों ये है शॉर्टकट रास्ता, यहाँ से पंडाल मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और हम नहर के ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ पर ये नहर है, ये देखिए नहर के किनारे और हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर, दिखाते हैं आपको। काफ़ी भीड़ उमड़ रही है यहाँ पर कथा में जाने के लिए। फ्रेंड्स 1-2 किलोमीटर अंदर चलने के बाद हम फाइनली हम अंदर आ रहे हैं और ये वही रास्ता है जहाँ पर सीधे पंडाल की ओर ये रास्ता जाती है और काफ़ी भीड़ है। ये देखिए पीछे भी काफ़ी भीड़ है, लोग आते जा रहे हैं। गांव के बाहर पंडाल को बनाया गया है क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग क्षेत्र चाहिए उसके लिए, दर्शकों के लिए। मित्रों ये देखिए मेला जैसा माहौल है यहाँ पर और हम कथा पंडाल के नज़दीक आ चुके हैं, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी भीड़, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है यहाँ पर, ये देखिए। और मित्रों यदि आप यहाँ आते हैं तो अपने जेब को संभाल के रखिए, पॉकेट को संभाल के रखिए, क्योंकि यहाँ पर चोरों का गिरोह घूम रहे हैं और पॉकेट मारों से सावधान रहे यहाँ पर, क्योंकि भीड़ हजारों लाखों से।
सभी बच्चों को हर महादेव माला दे सके दास श्री से भाई और नीति की बधाई के पात्र हैं कथा के रूप में यजमान स्वर्गीय सुरेश महाराज जी बाबा बैठे जी गोयल स्वर्गीय श्याम सुंदर जी गोयल स्वर्गीय सचिव जी गोयल जी स्वर्गीय श्री सुनील कंडल जी गोयल श्री विजय रोशनी जी गोयल स्वागत करें। बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ से हम सभी सुंदर तीसरे दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए चौथे दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आप ये क्या हो गया कोरोना काल और पूज्य गुरुदेव ने सनातन धर्म की पताका को नवीन स्तर पर लहराने का कार्य जो पूज्य गुरुदेव ने करा है, सभी सनातन धर्म के वर्ग के लोगों को जोड़ने का कार्य जो पूज्य गुरुदेव ने करा है, वे हम सभी देखते हैं किस प्रकार से एक एक फूल को चुनकर पूरी माला तैयार करी है, एक जाजम पर बिठाया है सभी भक्तों को ताकि संगत का हट पानी की एक बूंद अगर गलत समय पर गिरती है तो वहाँ खत्म हो जाती है, मिट जाती है। कमल के पत्ते पर वो पानी की बूंद गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। बीच में अगर देखिए आखिरी महापुराण की संगत सभी भक्तों ने हम सभी भक्तों ने मिलकर करी है तो हम सभी की लगभग 15 से 16 हॉल भी धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य धर्मशालाओं में से एक ये धर्मशाला रहेगी ताकि ये भक्त बड़े ही आराम से रुक सके, भगवान का प्रचार कीर्तन स्मरण कर सके, प्रसाद ले कर सके, आनंद ले कर सके। और एक भी और आप सभी को याद दिला दें कि तो मित्रों यहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित है और हम पंडित मिश्रा जी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो 2:30 बजे मंच पर आते हैं और 5 बजे तक कथा कहते हैं, यानी 2.5 घंटा प्रतिदिन वो कथा कहते हैं और ये कार्यक्रम 18 से 24 तक चलेगी। तो लाखों हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है और पंडित मिश्रा जी का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मंच पर आए और उनसे हम कथा सुने। तो ये वही मंच है मित्रों। तो मित्रों इंतज़ार का घड़ी खत्म हुआ और पंडित प्रदीप मिश्रा जी मंच पर आ गए हैं और उनका हम कथा वाचन सुनेंगे। क्या कहते हैं शिव महापुराण के बारे में और क्या बात बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आप कथा इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। काफ़ी दूर हम खड़े होकर पंडित मिश्रा जी का वीडियो बना रहे हैं, लाइव आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से हजारों भीड़ है, खचाखच भीड़ है, यहाँ पर लाखों हजारों भक्त यहाँ पर आए हैं, महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। मैं मंच पर बाहर खड़ा हूँ, ये डोम बनाया गया है, वाटरप्रूफ डोम है क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिश का मौसम चल रहा है अभी और बहुत बड़ा वर्ग क्षेत्र में यहाँ डोम को बनाया गया है। तो बने रहिए मित्रों हमारे वीडियो में।
बैठती पूजा बैठ के देखो, यहीं पर बैठ जाओगे सब गांधी की जी सब सब बैठ जाओ यहीं में वॉशमैन बने बैठो 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 तो आवाजे समझ में नहीं आती और काला ताली ठोकते मन सुन के समझ में नहीं तुम्हारा
पानी उठे यार, ओहो हो, लेकिन अंदर नहीं बनाना रही। भगदड़ मच गया यार एकदम। ओहो तो मित्रों मौसम खराब हो चुका है और हम यहाँ पर पंडाल के पास है गंडई में। ये देखे काले काले बादल उठे हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ है और मौसम बिगड़ते ही यहाँ पर भगदड़ मच जाएगा। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, भगदड़ की स्थिति यहाँ पर हो चुकी है और पानी जैसे गिरेगा वहाँ पर कथा पंडाल में तो अफरा तफरी फैल जाएगी चारों तरफ। ये देखिए तो काफ़ी भीड़ के साथ यहाँ पर मौसम खराब हो रहा है और अफरा तफरी मचने का पूरा चांस है, भगदड़ मचने का पूरा चांस है यहाँ पर, क्योंकि पानी गिरने वाला है और मौसम खराब ही है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ मौसम बिगड़ चुका है। तो मित्रों हम आगे कूच करते हैं और किसी निश्चित स्थान में चलते हैं जहाँ पर हम पानी से बच सके। ये हालांकि यहाँ शेल्टर बनाए गए हैं, ये जो डोम है वाटर पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है डोम, लेकिन भीड़ इतनी है कि हम अंदर नहीं जा सकते तो कहीं पर हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो किसी निश्चित स्थान में हमें जाकर सहारा लेना पड़ेगा। तो मित्रों बने रहिए हमारे वीडियो में, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कैमरा पर्सन विजय कुमार साहू गंडई कथा पंडाल से, धन्यवाद। बाजू बाहर खड़े हैं
तो मित्रों चलते हैं आगे और यहाँ रुकना संभव नहीं क्योंकि मौसम खराब हो रहा है और पानी निश्चित तौर पे गिरेगा और पीछे चल रहा है कथा यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा का। तो आज के लिए बस इतना मित्रों और आगे देखते हैं। ये देखिए कितना भीड़ है, काफी भगदड़ मचा है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के निवासी तो निकले फिर चल, फिर पानी वानी गिरेगा थक जाएंगे। तो मित्रों यहाँ पर मौसम बिगड़ चुका है और पंडित प्रदीप मिश्रा का यहाँ पर कथा चल रहा है, शिव महापुराण, और ये गंडई का जगह है, मौसम काफ़ी ख़राब है। तो मित्रों यहाँ पर भगदड़ मचने वाला है, अफरा तफरी मचने वाली है और आज का हम ब्लॉग यही समापन करते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कैमरा अपने मित्र राकेश के साथ, धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।